पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हंगामे और तोड़फोड़ के बाद सियासी पारा चढ़ गया। हिंसा के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और चिंता जाहिर की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष की रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ हुई हिंसा और आगजनी की खबरों पर चिंता जताई। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों पर जल्द कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वहीं बीजेपी ने मिदनापुर हिंसा के लिए सीधे टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जो टीएमसी के गुंडे हैं वो सड़क पर उतर के आके पत्थरबाजी कर रहे हैं, बसेस में से कार्यकर्ताओं को निकाल कर पीटा जा रहा है। ये दिखाता है कि आज बंगाल में परिस्थिति किस प्रकार की है। जिसके जवाब में टीएमसी ने सभी आरोपों को बीजेपी की नाकामी छुपाने का हथकंडा करार दिया। बीजेपी हैज नो इश्यू, द ओनली इश्यू टू ब्लेम द तृणमूल कांग्रेस इज जस्ट अ यू नो इज जस्ट अ कैमोफ्लेज बिकॉज़ ऑल द मीटिंग्स आर गेटिंग फ्लॉप्ड। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी अध्यक्ष ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है।